बैंकों में आज भी लगी भीड़, एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें, लेकिन आज की विशेषता यह है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही आज मौका दिया गया है नोट बदलने का। कैश की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने एक ऐलान किया है कि दुकानों पर भी अब कार्ड स्वाइप कर आप 2000 रुपए ले सकते हैं। इससे पहले कल यह ऐलान हुआ था कि पेट्रोल पंपों पर कार्ड स्वाइप करके आप 2000 रुपए तक ले सकते हैं, लेकिन आज बैंकों ने, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ने फैसला किया कि आज यानी शनिवार का दिन सिर्फ बुजुर्गों के लिए हो। नोटबंदी के बाद आम आदमी किस कदर परेशान है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है लोगों की। ये वो लोग हैं जो अपनी दिनचर्या का तमाम वो हिस्सा काट के आज बैंकों की लाइन में लगने को मजबूर हैं। वजह साफ है कि इनके घरों में पैसा नहीं है, राशन नहीं है, तमाम वो दिक्कतें हैं जो ये इनको लाइन में लगने को मजबूर कर रही है। हम बात करते हैं जो यहाँ सबसे पहले आए हैं। क्या हम सुबह 6 बजे आए हुए हैं। हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन परेशानी आगे चल के सही भी हो जाएगा। ये दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं, सही भी होगा। ये हमारा कहना है कि जो काला धन छिपा हुआ है, लोगों छिपा रखे हैं, एक एक लोगों के पास 10-10 मकाने हैं, 10-10 गाड़ियां हैं, 10-10 लोग सर्विस करते हैं। आप कई बजे से लाइन में लगे हैं? हम 7 बजे लाइन से लगे हुए हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं आप? बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि निर्णय लेना तो आसान है, समस्या का समाधान करना इतना आसान नहीं है। मोदी जब से हुए हैं आज तक एक भी वादा, 200 वादे किए हैं, सब झूठे गए हैं, और ये भी वादे पे वादे झूठा होता जा रहा है। ये पब्लिक लाइन खड़ी हुई है, पूरा देश जो है लाइन के गर्त में जा रहा है। तो ये निर्णय जो उनका हुआ ये अच्छा नहीं है। आज भी एक भी माफिया या जो हमारा मनी लेंडर है वो बाहर आया है? परेशान लोग आज लाइन में लगे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, मेरा बेटा जाने वाला है परदेश, अब वो 5-5 हजार करके हमसे पैसे, कल से लाइन लगे हैं। बेटा क्यों और कहां परदेश जाने वाला? बाहर जाने वाला है। ये तमाम वो समस्याएं हैं जो आम आदमी की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग दिक्कतें हैं। यही वो वजह है कि भोर होते ही लोग लाइनों में लग जाते हैं और ये दिक्कतें दूर होती दिख रही है। कैमरामैन मिन्हाज के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। और गोरखपुर में भी हालात कमोवेश ऐसे ही नजर आए हैं, जिसका जायजा लिया सहयोगी हरेंद्र दुबे ने। नोटबंदी के बाद आम जनमानस त्रस्त है। बैंकों पर किसान, व्यापारी सहित आम जनमानस की भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय समाचार प्लस की टीम खेत में पहुंची है किसानों से जानने के लिए आखिरकार उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है और कितना मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले से वो सहमत है। नोटबंदी से हम लोगों को कोई परेशानी ज्यादा नहीं है, लेकिन रह गया सवाल ये कि अपना जो है काम हम लोग चला रहे हैं और बड़े आराम से काम चल रहा है। यही हो रहा है कि थोड़ा ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो रहा है। आप कितना समर्थन दे रहे हैं? हम फुल समर्थन दे रहे हैं, फुल एकदम। अच्छी जी, अभी एक किसान है, आप किस प्रकार से सहमति जताती हैं? किसान है तो का कर जा, सब पैसा जो निकाल के आये तो घर का गेहूं बोत है, मोल खाद ले आई है, अब का कर जा। फैसला लिया ले से हाँ, आप संतुष्ट भाई? हाँ, सब ठीक बा हमके। आप उनके लिए गए इस निर्णय से कितने फैसले हैं? क्या किस नहीं, उनका निर्णय तो बिल्कुल सही है, उसे हम सहमत हैं। दिक्कत थोड़ी मतलब हो रही है, जैसे बीज लाना है, खाद लाना है, तो कुछ को तो बीज पुराने नोट ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो हमारे भलाई के लिए लिया। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस।